आजादी चाहिए? किस बात की आजादी चाहिए? आजादी इस बात की चाहिए कि देश की गरीब जनता मर रही है, लेकिन JNU में पढ़ने वाले बच्चे खास हैं। देश के विद्यार्थियों की फीस 1 लाख रुपए तक है, लेकिन JNU के जो JNU में पढ़ेगा वो खास है, उसको 10 रुपए फीस चाहिए। अभी जो खबर छन के आ रही है उसमें ये आ रहा है कि 10 रुपए हॉस्टल चार्जेस था JNU का, ये किसी के भी गले नहीं उतरेगा, वो अब 300 कर दिया गया है, इसलिए वहाँ के छात्रों में बवाल मच गया। मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटे से कस्बे में हूँ, यहाँ के छात्रों की फीस भी 4-5 हजार रुपये है, और उतनी ना यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है न हॉस्टल है। यहाँ के छात्र 5 हजार रुपये किराए में रहते हैं, तब जाके उनकी पढ़ाई होती है, वो सबके बावजूद ना ढंग की लैब है ना ढंग के प्रोफेसर। और JNU के जो छात्र कहते हैं कि हम तो जी गरीबों के हैं, यहाँ मैं बता दूं कि JNU के कुछ छात्र बोल रहे थे कि यहाँ जी सर्वे किया गया कि 40% छात्र JNU के ऐसे जिनके पेरेंट्स की आमदनी 1.25 लाख से नीचे। अरे यहाँ तो 1.25 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ के तो लिखित आंकड़े हैं सरकारी कि यहाँ के 90% लोगों की वार्षिक आय 24 हजार रुपये है। 24 हजार रुपये वाले का बच्चा यहाँ 5 हजार रुपये रेंट दे रहा है, वो कैसे दे रहा होगा रेंट? क्या आपत आ रही होगी उसको? लेकिन JNU को आज़ादी चाहिए। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था JNU कंट्रोल कर रही है, यानी कि JNU एक ऐसा कूपमंडूक इंस्टीट्यूट बन चुका है भारत में, शिक्षण संस्थान बन चुका है, जैसे कुएं का मेंढक होता है कि JNU में ही पढ़ेगा, JNU में ही नौकरी करेगा, JNU का कर्मचारी बनेगा, JNU में पढ़ेगा, यानी कि आप JNU में ही पढ़े वहाँ के प्रोफेसर बनिए, ये है, ये शिक्षा दे रहे हैं। JNU के बाहर का प्रोफेसर भी नहीं बन सकता है वहाँ पे। इस JNU के खातिर पूरा देश कुर्बानी दे रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आप सम्यक दृष्टि रखिए, पूरे देश की जनता समान है, पूरे देश के गरीब समान है। हमारे जो शिक्षण संस्थान है, चाहे छोटा शिक्षण संस्थान हो, चाहे बड़े नाम का हो, चाहे छोटे नाम का हो, हर जगह छात्रों को रियायती दर पे शिक्षा मिले। ये नहीं कि सिर्फ JNU में पढ़ने वाला ही भाग्यशाली है, उसे तो 500 रुपये में शिक्षा मिल रही और हमें 1 लाख में शिक्षा मिल रही। JNU को छात्र को 10 रुपये में हॉस्टल मिल रहा है और हम 5 हजार रुपये दे रहे हैं। मेरा यही निवेदन है, सरकार हमारे भी ध्यान रखे, हमारे गरीब बच्चों का भी ध्यान रखे, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। केवल JNU में पढ़ने वाले ही भारत के नागरिक नहीं, सभी भारत के नागरिक हैं। धन्यवाद।